युद्ध की कुछ और खबरों के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड की 501वीं बटालियन ने रूसी ठिकानों पर जबरदस्त कहर बरपाया है। यूक्रेनी हमले में रूस के कई पोस्ट तबाह हो गए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बैक टू बैक हुए हमले का वीडियो भी जारी किया है। वॉर जोन से यूक्रेनी सुखोई 27 का एक्शन वीडियो सामने आया है। सुखोई 27 काफी नीचे उड़ान भर रहा है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने सुखोई 27 में अमेरिका से मिले एयर टू सर्फेस एंटी रेडिएशन मिसाइल AGM-88 HARM लेस कर रखा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि यूक्रेन को हर हाल में हथियार उपलब्ध कराते रहेंगे। किर्बी ने फिर दोहराया कि यूक्रेन को आखिरी दम तक अमेरिका से हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। खार्किव में जारी आर पार के जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि रशियन आर्मी कब्जा किए गए इलाकों में यूक्रेनी लोगों पर अत्याचार कर रही है, उनसे जबरन इलाका खाली करने को कहा जा रहा है। वॉर जोन से रूसी हॉइट्जर का एक्शन वीडियो सामने आया है। हॉइट्जर से रशियन आर्मी यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। रूस के उपराष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियारों की आपूर्ति कर युद्ध को लगातार भड़का रहा है। चेनिहीव में जारी आर पार की जंग के बीच यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड ने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। ईरान की तरफ से दिए गए ड्रोन को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। बीते 24 घंटे में कुल 17 ईरानी ड्रोन तबाह किए गए हैं। ज़ेपोरिजिया में भीषण जंग के बीच रशियन आर्मी ने 87 ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। रूस ने यूक्रेनी पकड़ वाले मलिनिवका, कुरियापोल समेत कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। G7 देशों ने यूक्रेन को बड़ी मदद की घोषणा की है। इस साल के अंत और अगले साल की शुरुआत तक G7 देश यूक्रेन को $44 बिलियन की मदद भेजेंगे।